करप्शन पेशी, उसके बाद सियासत प्रदर्शन और हंगामा, कुल मिलाकर ये तस्वीरें यही कहती हुई आज तो। बिल्कुल शुभांकर, इसके साथ ही बंद कमरे में पूछताछ, सवाल जवाब, सवालों की झड़ी और बाहर विरोध प्रदर्शन। सुप्रिया भारद्वाज हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? पुलिस किस तरह से मुस्तैद है और क्या अभी घमासान जारी है, क्योंकि राहुल गांधी अंदर हैं और बाहर उनके नेता प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो आज यहाँ पर हुआ है, जहाँ कांग्रेस मुख्यालय पे है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो दिल्ली पुलिस है उनके जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ तक, जो ये आपको दिख रहा है जहाँ पे झंडा लगा हुआ है, यहाँ तक पहुँच गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह मोड में बैठे हुए थे, और यहाँ पे पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष हैं। 2 सांसद हैं राज्यसभा की, अमीबेन याग्निक जी और साथ में रंजीत रंजन जी। मैम, आखिर हुआ क्या? आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस अंदर एंटर हुई है और दिल्ली पुलिस कह रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, दिल्ली पुलिस क्या बोलेगी, ऊपर से आला कमान का जो हुक्म है उसकी तालीम करते हैं। हमारे पास विजुअल है, आप विजुअल देखिए, पूरे वीडियो देखिए। वीडियो देख के भी दिल्ली पुलिस कहेगी कि हम नहीं घुसे, क्योंकि उसको ऊपर से मार पड़ रही है तो वो हमारे साथ क्यों रहेगा। ईडी हुक्म की तालीम कर रहा है, सीबीआई हुक्म की तालीम कर रही है, लेकिन अब पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आप जाति कर रहे हो। हम लोगों को शांतिपूर्वक धरना भी नहीं करने दे रहे हो। हमारे नेताओं को आपने घरों में नजरबंद कर लिया है। हमारे पीसीसी अध्यक्ष, विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों को भी आप जिस अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहे हो, घसीट के लेके जा रहे हो। हमारी महिला अध्यक्ष को आप घसीट के लेके गए हो, ये पूरी दुनिया देख रही है। आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं अब उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हैं। सर, आपसे पूछते हैं, आप तो उस समय यहाँ पे थे भी, हमने देखा, उसके बाद आप यहाँ से भागते भागते अपने कार्यकर्ताओं के साथ गए जब पुलिस अंदर एंटर हुई, और उसके बाद आपने मोर्चा संभाल लिया, बैठ गए धरना देने। हुआ क्या था आखिर? पुलिस का DYSP और पूरी फोर्स एक साथ अंदर घुसी, जितने नेता कार्यकर्ता थे लाठियां बरसाई, 1-2 के तो पैर भी टूट गए, और बाल पकड़ करके, घसीट करके, टांगा टोली करके और ले गए और उनको अरेस्ट कर लिया। और अंदर से AICC के परिसर के अंदर से, इससे बड़ा मतलब अन्याय क्या हो सकता है, अराजकता क्या हो सकती है। इतना तो अंग्रेजों ने भी, जो स्वाधीनता संग्रामी थे, उनके साथ में भी नहीं किया था। जो बीजेपी है वो कह रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग जो है कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस मना कर रही है कि ऐसा हुआ ही नहीं। कार्रवाई किसके खिलाफ? जो कानून के रखवाले हैं वही तो अन्याय कर रहे हैं। किसको दें दरखास्त, आप बताइए? आप चलिए मेरे साथ, मैं देता हूं दरखास्त, देखिए वो कार्रवाई करते हैं या मेरे को जेल में डालते हैं, तो किसको करें? कल जब मैं आ रहा था 35 किलोमीटर पहले रोक के कहा आपके लिए रात को 12:30 बजे से बैठे हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो मैंने कहा क्या आपातकाल है? बोले आपके लिए तो आपातकाल ही है, आप नहीं जा सकते। तो ये स्थितियां बनी हुई है। आज किसको दें हम दरखास्त, आप बताइए? डंडे लिए बैठे हैं,